अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बेपरवाह इसराइल की सेना ने 13 अक्टूबर को लेबनान में टैंक से शांति रक्षक बल परिसर का मेन गेट तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इसराइल का टैंक परिसर के अंदर तक घुसा। और इससे पहले गुरुवार की बात हुई इसराइल सेना के 3 अलग अलग हमलों में संयुक्त राष्ट्र शांति परिसर बल के कुल 5 जवान घायल हो गए, जबकि एक जवान शनिवार देर रात भी घायल हुआ। इसराइल की इस कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पश्चिम देशों के नेता इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करते हुए नजर आए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष शांति अधिकारी का ये कहना है कि ऐसे संकेत मिले हैं कि यूएन की चौकियों पर कुछ गोलाबारी जानबूझकर की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि एक घटना में एक टावर पर आग लगी और कैमरों के नुकसान पहुंचा था, जो हमें प्रत्यक्ष गोलाबारी जैसा लग रहा है। दरअसल 2006 के लेबनान युद्ध को खत्म करने के इरादे से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1701 अपनाया गया। ये प्रस्ताव लगभग 2 दशक से इसराइल और लेबनान के बीच शांति की आधारशिला रहा। इसी के तहत इसराइल लेबनान की सीमा पर 10,000 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की तैनाती की गई, जो क्षेत्र के युद्ध विराम की निगरानी कर रहे। इस प्रस्ताव के बाद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना को दुबई पर इस मिशन के अंदर कर्मियों पर हमले के खिलाफ संयुक्त बयान का समर्थन करने की एक वजह यह भी रही कि भारत ने अपने सैनिकों को मिशन में भेजा था। रविवार को संयुक्त राष्ट्र की पॉलिस मिशन ने घोषणा की कि भारत, कोलंबिया, जर्मनी, पेरो और उरेवान के बयान का भी समर्थन किया। पॉलिस मिशन ने एक एक्स के ऊपर एक पोस्ट में कहा कि वर्तमान में 40 देशों ने हमारे बयान पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। कोलंबिया, जर्मनी, यूएन, भारत, पेरो और उरेवान का मैं धन्यवाद करता हूँ। स्विट्जरलैंड के समर्थन के लिए भी मैं आभारी। 2 सितंबर 2024 तक UNIFLI के बल पर 50 सैन्य योगदान देने वाले देशों में बल में कुछ 50 सैन्य योगदान देने वाले देशों के कुल 10,058 शांति सैनिक शामिल हैं। भारत UNIFLI के 903 सैनिक प्रदान करता। यूएन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुरूप दक्षिण लेबनान के साथ पश्चिमी एशिया में स्थिरता और स्थायी शांति बनाए रखने का कार्य करता है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि भारत के इस रुख से इसराइल का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इसराइल का खुलकर विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।